आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर पाठ 9 हवा। हवा जो कि एक कविता है। सनसन करती चली हवा, सबको लगती भली हवा। कितने रूप बदल कर आती, ऋतुओं के संदेशे लाती। कहीं ना रुकती बहती जाती है, कितनी मन चली हवा। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि सनसन करती चली हवा, जब हवा सनसन चलती है तब वह सबको भली लगती है। कितने रूप बदल कर आती, ऋतुओं के संदेशे लाती। हवा कितने रूप बदल कर लाती है, बदल कर आती है और ऋतुओं के संदेशे लाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब गर्मी में हवा चलती है तब हमें गर्म हवा लगती है, और हम कहते हैं लू चल रही है तो हमें हवा से पता चल जाता है कि गर्मी का मौसम है। तो इसी तरह से हवा से हम ऋतुओं के बारे में पता करते हैं। जब ठंडी के मौसम होते हैं तब हवा ठंडी चलती है, तो हम हवा से पता कर सकते हैं कि ठंडी का मौसम है। उसी तरह से जब बारिश के मौसम होते हैं तब बारिश में हवा गीली हो जाती है, बारिश की बूंदें हवा के साथ हमारे पास आती है और हमें बारिश के छींटे लगते हैं, तो हम बोलते हैं हवा कितनी ठंडी चल रही है, हवा के साथ बारिश की बूंदें भी आ रही है। कहीं ना रुकती बहती जाती है, कितनी मनचली हवा। हवा जब चलती है तब रुकती नहीं है, उसे यह नहीं पता होता है कि मुझे यहाँ हवा देना है यहाँ नहीं देना है। वह एक जैसा सभी को हवा देती है, कहीं नहीं रुकती है, बस बहती जाती है, कितनी मनचली हवा। बारिश में गीली हो जाती, कीचड़ मक्खी मच्छर लाती। हवा बारिश में गीली हो जाती है और अपने साथ कीचड़ मक्खी मच्छर लेकर आती है। जब बारिश के मौसम होते हैं तो हम मैक्सिमम लोगों को बारिश के मौसम पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि बारिश में हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बच्चे खेल नहीं पाते हैं बाहर में, हमें अपने घरों पर ही रहना पड़ता है। और बारिश में कीचड़ बहुत होते हैं, साथ ही साथ मक्खी मच्छर भी होते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए कहा गया है बारिश में गीली हो जाती, कीचड़ मक्खी मच्छर लाती। हवा बारिश में गीली हो जाती है, बारिश की बूंदों से हवा गीली हो जाती है और अपने साथ कीचड़ मक्खी मच्छर लाती है। गर्मी में ये खूब सताती सूरत से जो जली हवा। गर्मी का जब मौसम होता है तब हवा हमें खूब सताती है। हवा गर्मी के मौसम में हमें खूब क्यों सताती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में सूरज बहुत तेज होता है और सूरज की गर्मी से हवा भी गर्म हो जाती है। इसलिए कहा गया है सूरज से जो जली हवा, इसलिए हवा सूरज से जल रही है, क्योंकि सूरज की गर्मी से हवा भी गर्म हो जा रही है और गर्मी के मौसम में कोई भी हवा को पसंद नहीं कर रहा है। पतझड़ में पत्ते खड़काती, संग अपने अंधड़ ले आती। जब पतझड़ का मौसम होता है तब हवा पत्ते खड़काती है। पत्ते जब पतझड़ का मौसम होता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और जब हवा चलती है तो ये आपस में टकराते हैं और खड़काती है, यानी कि खड़कर की आवाज़ आती है। और संग अपने अंधड़ ले आती, जब हवा चलती है तो सारे पत्ते उड़ते हैं, अपने साथ वो अंधड़ यानी कि आंधी ले आती है। जब बसंत में फूल खिलाती तब लगती है भली हवा। जब बसंत ऋतु आती है तब हवा फूल खिलाती है, तब हमें बहुत भली लगती है। जब बसंत ऋतु आती है तो उस समय बहुत से फूल खिलते हैं, वो फूलों का ही मौसम होता है। उस समय हमें हवा बहुत अच्छी लगती है, फूल सभी को पसंद है, और उस समय बसंत ऋतु का मौसम भी होता है, तो जब फूल खिलते हैं हवा चलती है तो ये सारे सभी को पसंद आते हैं। गुनगुन गुनगुन गीत सुनाती, मंद मंद चलती इठलाती। हवा चलती है तो एक आवाज़ आती है, हवा गुनगुन गुनगुन गीत सुनाती है, मंद मंद चलती इठलाती। मंद मंद यानी कि धीरे धीरे इठलाकर चलती है। सुगंधों के घट भर भर लाती, रस भीनी मधुमत हवा। फूलों में सुगंध होते हैं, जब हवा चलती है तो वो सुगंध इधर उधर बिखर जाते हैं, तो वह
अपनी सुगंध को इधर उधर बिखेरते हैं। कौन फूलों की सुगंध को कौन इधर उधर बिखेरता है? हवा बिखेरती है। हवा से ही फूलों का सुगंध इधर उधर जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सुगंधों के घर भट भर लाती, हवा सुगंधों के घर को घट को भर भर के लाती है। रस भीनी मधुमत हवा, हवा रस भीनी है मधुमत हवा है। इस कविता के माध्यम से हमने हवा के बारे में जाना, हवा क्या करती है, कैसे चलती है, हवा से ऋतुओं के बारे में कैसे पता चलता है, बारिश में हवा कैसी होती है, हवा से मौसम के बारे में पता चलता है, पतझड़ के मौसम में हवा क्या करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। हवा की सीख के साथ यह चैप्टर समाप्त हुई। धन्यवाद।